क्या आप भी एक रॉयल इनफील्ड लवर हैं और आप भी एक रॉयल इनफील्ड खरीदने की सोच रहे हैं? तो खरीदने से पहले आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि मेरी पर्सनालिटी को कौन सी रॉयल इनफील्ड सूट करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रॉयल इनफील्ड की उन गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट करेंगी। जी हाँ दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की मार्केट में तकरीबन 9 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। अब उनमें से आपको कौन सी पसंद आती है या आपके पर्सनालिटी को कौन सी सूट करती है, तो उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको उन 9 बाइक्स के बारे में बताएंगे और उनकी खूबियाँ, प्राइस और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो अगर आप एक रॉयल इनफील्ड लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, हम आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम जब डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें डेली वीडियो डालते रहते हैं। चलिए दोस्तों बिना समय वीडियो को चालू कर लेते हैं, आपको मिलाते हैं आपकी फेवरेट रॉयल इनफील्ड से। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादातर सिटी राइड करते हैं और कभी कभार हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं तो आपके लिए रॉयल इनफील्ड का क्लासिक वर्जन सबसे बेस्ट होगा। दोस्तों आपको बता दें ये बुलेट का ही मॉडर्न वर्जन है क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर आप एक सिटी राइड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और दोस्तों बात करते हैं इसमें पेंट सेट्स की, तो इसमें आपको डेडा सिस्ट्राम, बैटल ग्रीन और स्क्वाइन ब्लू जैसे कलर मिल जाते हैं। और क्लासिक बुलेट आपको 350 cc और 500 cc में मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा इंजन होता है। और रॉयल इनफील्ड अपने पावर के लिए तो जानी ही जाती है। तो अगर आप एक सिटी राइड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। चलिए दोस्तों मिलाते हैं आपको एक अगली रॉयल इनफील्ड बाइक से। तो दोस्तों अगर आप एक क्रूजिंग के शौकीन हैं और लंबी ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं तो आपके लिए थंडरबर्ड का ऑप्शन सबसे बढ़िया है। थंडरबर्ड क्रूजर बाइक है जो 2 लाख से कम कीमत में आती है। हालांकि थंडरबर्ड थोड़ी भारी है और पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग के दौरान आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, वहीं थंडरबर्ड 350 cc से लेकर के 500 cc तक आती है और आपके लिए जो अच्छी लगेगी आप उसको ले सकते हैं। थंडरबर्ड के मार्केट में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे कि थंडरबर्ड, थंडरबर्ड एक्स या जो आप लेना चाहें। तो अगली वीडियो में हम आपको थंडरबर्ड एक्स से ही मिलाने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी की आपको मिलाते हैं थंडरबर्ड एक्स से। तो दोस्तों अगर आप कॉलेज जाते हैं और शहर में ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं तो थंडरबर्ड एक्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है और इसे इसी पर्पज़ के लिए बनाया भी गया है। शहरी सड़कों पर इस्तेमाल करने के लिए थंडरबर्ड एक्स एक बढ़िया ऑप्शन है। और आपको बता दें इसमें फैक्ट्री फिटेड ब्लैक अलॉय व्हील्स आते हैं जो कि काफ़ी अच्छा और मस्कुलर लुक देते हैं रॉयल इनफील्ड को। और दोस्तों आपको बता दें इस रॉयल इनफील्ड में आप सिटी राइड और क्रूजिंग दोनों का मज़ा उठा सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। और वहीं एक बात करें इस रॉयल इनफील्ड के इंजन की, तो इसमें आपको 350 cc और 500 cc का इंजन मिलता है जो कि आपको थंडरबर्ड में भी मिल रहा था। चलिए दोस्तों मिलाते हैं आपको एक अगली रॉयल इनफील्ड से। तो दोस्तों अब हम जिस से आपको मिलाने जा रहे हैं वो रॉयल इनफील्ड सीरीज की सबसे पुरानी बाइकों में से एक है जो आज भी पुराने बुलेट का लुक देती है। इसे मॉडर्न रेट्रो बाइक भी कहा जाता है। वहीं बुलेट शहरी सड़कों के लिए बढ़िया है और दो इंजन 350 cc और 500 cc में आपके लिए मिल जाएगी। शोरूम में भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली मॉडल भी यही है, आप इसे सड़कों में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखते भी होंगे। और बुलेट रॉयल इनफील्ड की सबसे सस्ती बाइक है जो लोग केवल शहर में ही ड्राइविंग करना पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल हो सकती है। तो अगर आप एक बढ़िया और कम कीमत में रॉयल इनफील्ड लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं आपको एक अगली रॉयल इनफील्ड बाइक से। तो दोस्तों आप में से जो लोग एडवेंचर का शौक़ रखते हैं और बाइक से ही देश के हर कोने में जाने का शौक़ भी रखते हैं तो उनके लिए हिमालयन से कुछ बेहतर नहीं है। हाल ही में इनफील्ड ने हिमालयन के कुछ फीचर्स में बदलाव करके उसको लॉन्च कर दिया गया है और हिमालयन भारतीय बाज़ार की सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो बेशक इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 411 cc का इंजन मिलता है जो कि 23 bhp की पावर
देता है। और बात करें वहीं पर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें आपको 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपके लगेज के लिए अलग से दो हुक भी दिए हुए हैं जिनमें आप अपने लगेज को बड़े आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इसको लेना चाहते हैं और पूरे देश में घूमना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट बाइक है और इसमें रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के मिलाते हैं आपको एक अगली शानदार रॉयल इनफील्ड बाइक से। तो दोस्तों, यह जो बाइक है वो देश की सबसे सस्ती स्क्रैबलर थीम वाली बाइक है। रॉयल इनफील्ड बुलेट्स और ट्रायल्स को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ट्रायल्स बुलेट सीरीज की ही एक बाइक है जिसमें आपको 350 cc और 500 cc का इंजन मिलता है। हालांकि दोनों ही इंजनों में पावर और मैकेनिकल कैपेबिलिटीज एक ही हैं। और अगर आप एक एडवेंचर के लिए शौकीन हैं तो ट्रायल्स को आजमा सकते हैं। इसमें सामान रखने के लिए बड़ा रैक भी दिया गया है ताकि लंबी राइड के दौरान आपके बैगेज भी रख सकें। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप बेशक ले सकते हैं। और इसे लेने के बाद आप अब जब इसे रोड पर लेकर निकलेंगे तो आपके पास एक अलग फील आने वाली है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलाते हैं आपको ऐसी एक शानदार रॉयल इनफील्ड और से। तो जो अगली रॉयल इनफील्ड है उसका नाम है इंटरसेप्टर। और इंटरसेप्टर असल में ट्विन सिलेंडर वाली बाइक है, इसे ऑलराउंडर बाइक भी कह सकते हैं। इंटरसेप्टर 650 इनफील्ड की नेक्स्ट जनरेशन बाइक है और जिसमें आपको एयर एल्ड कूल्ड 648 cc का पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है जो कि 74 bhp की पावर और 52 nm का टॉर्क देता है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रोजमर्रा में तेज स्पीड से चलना चाहते हैं और कभी कभार लंबी राइड पर भी निकलते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि इस पे आपको स्पिलर क्लच मिलता है जो कि आपकी राइड को और स्मूदर बना देता है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं और आप ओवर स्पीडिंग ही करते हैं, हालांकि करनी नहीं चाहिए लेकिन कुछ लोग शौक के लिए करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट हो सकती है। तो आपको ये कैसी लगी अभी हम कमेंट करके आप हमें बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलाते हैं आपको अगली इनफील्ड बाइक से। तो दोस्तों, अगर आप रेट्रो लुक वाली स्टाइलिश कैफे रेसर देख रहे हैं तो कॉन्टिनेंटल GT 650 एक अच्छा और सस्ता सा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसमें आपको 650 cc का एयर वाटर कूल्ड इंजन लगा हुआ मिलता है जो कि ट्विन जैसी ही पावर जनरेट करता है। और परफॉर्मेंस के अलावा इसमें कंफर्ट के साथ स्टाइलिश भी मिलती है। स्पोर्टी राइडर्स के लिए कॉन्टिनेंटल GT 650 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है और ये वाला मॉडल तो मुझे भी अच्छा लगा है। हालांकि इसमें आप वन सीट के लिए ही अवेलेबल है और इसमें आप अलग से दूसरी सीट नहीं लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक अकेले राइड करते हैं बाइक से तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आपको ये बाइक कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और इसके लिए अगर अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलाते हैं अगली शानदार उस बाइक से। तो दोस्तों, जो अगली बाइक है वो कोई मॉडल नहीं है, उससे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो रॉयल इनफील्ड को आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। इनफील्ड के लिए एक से बढ़कर एक ऑप्शन मौजूद हैं। वहीं कंपनी ने कुछ और कस्टम गैराज से भी टाइप किया हुआ है और वहीं कंपनी मोपोवा और लॉक स्टॉक की तरह खास फैक्ट्री कस्टम बाइक भी बनाती है। इसके अलावा इसमें आप अलग से एसेसरीज भी लगवा सकते हैं, उसकी इनफील्ड ने आपके लिए छूट दे रखी है। और चलिए दोस्तों, अब आप चाहें तो कस्टमाइज करवा सकते हैं और आपको हम मिलाते हैं अगली एक शानदार और सदाबहार बुलेट बाइक से। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग होंगे जो विंटेज लुक को पसंद करने वाली पुरानी कार चरण इनफील्ड को भी पसंद करते हैं। हालांकि यह अब बाज़ार में आपके उपलब्ध नहीं है आपके लिए, लेकिन आज भी पुरानी आपके लिए मिल जाती है। इन बाइकों में सीधे पैर में गियर लीवर और ब्रेक लीवर मिलता था और आप चाहें तो आप इसको पुरानी और ले सकते हैं। और वहीं जो लोग कुछ अलग पसंद करते हैं वे कास्ट आयरन इनफील्ड को भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों, जो कास्ट आयरन इनफील्ड है वो भी इससे मिलती जुलती ही एक बाइक है। तो अगर आप में से इनमें से कोई भी आपको पसंद आती है तो आप उसको ले सकते हैं। वैसे तो रॉयल इनफील्ड अपने इंजन के परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती है और बहुत से लोगों को यह पसंद भी होती है। तो अगर आपकी भी पसंद इनमें से कोई भी बाइक में है तो आप उसको ले सकते हैं। और इनका जो माइलेज होता है दोस्तों, आपको बता दें वो 30 के आसपास का ही होता है। तो माइलेज आपको इतना ही मिलने वाला है जो कि एक किसी नॉर्मल कार में भी कभी कभी मिल जाता है। तो दोस्तों,
बाइक बहुत ही बढ़िया है, अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। बेशक काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लोगों के पास हैं और वो लोग अच्छे से राइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी बाइक पसंद है या आपके पास कौन सी है या आप कौन लेना चाहते हैं। और लगे हाथ दोस्तों हमें आप इंस्टाग्राम फेसबुक में भी फॉलो कर लीजिए, हमारी फेसबुक आईडी है ऑटोमोबाइल्स बदर्स और दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी है #ऑटोमोबाइल्स बदर्स, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। हम आपसे किसी ऐसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपसे नई वीडियो में मिल सके।